नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा करहल के प्रयाग पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव पर जश्न बचपन के कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक व मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता की ये रिपोर्ट। मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित प्रयाग पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव जश्न बचपन कार्यक्रम धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। विद्यालय में बच्चों ने सामाजिक व देशभक्ति जैसे मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित करने के बाद शिक्षा के मंदिर के मंच पर राजनीति करना नहीं भूले। उन्होंने भाजपा, सपा व बसपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में जब हम थे तब देश में हमारे 37 सांसद थे। जब अखिलेश ने पार्टी की कमान संभाली तब से अब तक सिर्फ 5 ही सांसद रह गए हैं, ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। और अखिलेश ने कितने जिताए? 5। और 200 अभी कितने विधायक थे? 236। और 236 मुख्यमंत्री थे और हमें तो हरा ही रहे। टिकट दे दिया और लगे थे हराने। कौन लगे थे? लगे थे समाजवादी पार्टी के जो मुख्य नेता थे वो हमें हराने में लगे थे हराने। नहीं हरा पाए, कभी नहीं हरा पाए। और हमारे यहाँ की जसवंतगढ़ की क्षेत्र की जनता ने जिता दिया, हराने के बाद भी जिता दिया। यूपी की मजबूरी है। तो बताइए कौन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर रहा था? यहाँ के सब लोग जानते हैं कितने कितने फोन किए गए थे, सीधे फोन किए, और सीधा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था वो सीधी क्षेत्र से बात कराता था, धमकाया जाता था। तभी हम जीत गए। अभी हम सर कहते हैं कि अभी हम पूर्वांचल का दौरा तो करा, बाराबंकी से लेकर फैजाबाद से लेकर अम्बेडकर नगर से लेकर के गोरखपुर से लेकर के हमने तो दौरा किया, बनारस से लेकर चंदौली से लेकर के बलिया तक हम तो दौरा कराए। और कह रहे थे कि खिलाफ अगर बोल रहे हैं, अखिलेश के खिलाफ कुछ बोलेगा, मायावती के खिलाफ कुछ बोलेगा तो पूर्वांचल में पिटेंगे। शरद दिल से पास ही आता, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्वांचल में पिटेंगे। 63 साल की उम्र में हमें तो अभी तक किसी ने पीछे नहीं पाया। ठीक भाई, ज्यादा नहीं, कौन कौन एक तो चलो बड़े भाई हैं यार, कहते तो हैं प्रोफेसर। हम प्रिंसिपल साहब को पूछना चाहते हैं, प्रोफेसर कौन होता है? यूनिवर्सिटी में पहले तो होता है रीडर के बाद होता है प्रोफेसर, वो तो होता है। चलो बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, हम मानते हैं।